नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इन्फॉर्मर की और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम ताजमहल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक मशहूर शहर है। यह शहर अपनी ऐतिहासिकता, संस्कृति और प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात है। आगरा अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के समय मुगल की राजधानी थी। इसी आगरा में स्थित है ताजमहल। मैं ताजमहल बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मकबरा हूँ। मैं विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हूँ। मैं विश्व प्रसिद्धता के लिए जाना जाता हूँ। मैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक हूँ। मुझे शाहजहाँ की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया है। दोस्तों, मेरा निर्माण सन 1632 से 1653 तक चला और मैं इसी समय से अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण बन गया हूँ। मैं लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे स्थित हूँ। दोस्तों, मेरे निर्माण में लाल पत्थर, सफ़ेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्न का उपयोग किया गया है। दोस्तों, मेरे निर्माण के लिए कुल मिलाकर 22 साल का समय लगा। दोस्तों, इसके दौरान लगभग 20,000 मजदूरों ने शिल्पकारों तथा वास्तुकारों और कारागिरों का योगदान था। दोस्तों, मुझे बहुत मेहनत पूर्वक बनाया गया है, जो मुझे एक आदर्श आर्किटेक्चर का मास्टरपीस बनाता है। दोस्तों, मुझे बनाने के लिए मुख्य रूप से एक बड़ी कारीगर टीम थी, जिसमें महान कारीगर शामिल थे। दोस्तों, मुझे प्रमुख वास्तुकार और निर्माणकर्ता उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया है। उन्होंने मेरी नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंध किया था। दोस्तों, मेरा निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। आज के समय यानी 2023 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 370 साल पूरे हुए, यानी आज के समय मेरी उम्र 370 साल है। दोस्तों, मेरी यानी ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट्स। नंबर एक, दोस्तों, मुझे बनाने के लिए उस समय के 32 करोड़ रुपए लगे थे। नंबर दो, मुझे बनाने के लिए लगभग 22,000 श्रमिकों ने काम किया था। नंबर तीन, मुझको सफ़ेद संगमरवर से बनाया गया है, जो कि राजस्थान से लाया गया था। नंबर चार, मेरे नीचे एक तहखाना है, जहां पर मुमताज महल और शाहजहाँ की कब्रें हैं। नंबर पाँच, मुझे बनाने के लिए 1700 हाथी दंत के टुकड़े का उपयोग किया गया था। नंबर छः, मेरी गुंबद की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर सात, मेरे चार मीनारे हैं, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। नंबर आठ, दोस्तों, मुझे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय मैं सफ़ेद संगमरवर का बनने के कारण विभिन्न रंगों में मैं चमकता हूँ। दोस्तों, यह थी मेरे यानी ताजमहल की बनने की जानकारी और कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते ही ऐसे ही और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।